हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जी जे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, टेबल्स का। 2 से 20 तक की तो टेबल्स स्कूल में रेगुलर याद करवा देते हैं, पर उसके बाद की टेबल्स या मल्टीप्लिकेशंस में हमें डिफ़िकल्टी आती है। तो हम क्या करते हैं, 2 से 20 तक तो बाय हार्ट कर लेते हैं। अगर वो भी नहीं हो रही है तो 2 से 9 तक आप बाय हार्ट कर लीजिए, फिर जो मैं आज मेथड बता रही हूँ उससे मल्टीप्लाई करके आपके सम्स बहुत ही इजी तरीके से और सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये बात और क्लियर होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने लिया 24 × 2, ये तो वैसे इजी है, फिर भी हो जाएगा, पर हम इजी से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये प्लेस वैल्यू पर डिपेंड होता है, तो ये 2 × 2 = 4। हमेशा ये 4, हमने जैसे ये 4 लिखा तो 4 लिखने के बाद हम इसमें एक 0 ऐड कर देते हैं। अब 2 × 4 = 8, तो उसको हम प्लस कर देते हैं, यू विल गेट 48। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने लिया 32 × 6, तो 6 × 3 = 18, तो 18 लिखा और उसमें हम एक जीरो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो होगा ये टेंथ प्लेस का है और इधर की जो नंबर होता है वो वंस प्लेस होती है। तो इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में इट इज़ अ प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो अब हमने 6 × 2 = 12, तो हम इसमें 12 ऐड कर देते हैं। ये सब हमें ओरली करना है, पर जब हम भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो उसके लिए हम राइटिंग में करते हैं। इनको ऐड करेंगे तो 2 = 9 और 192। अगर हम इसे ओरली ऐड करते हैं तो 6 × 3 = 18, एक 0 ऐड कर दिया, 180 हो गया, और 6 × 2 = 12 मींस 8 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो 190 हो जाता है, एंड 2 तो 192। तो इस तरीके से हम सारे सम करते हैं। और भी एग्जांपल्स करते हैं। 45 × 6, अगेन सेम थिंग, 4 × 6 = 24, जस्ट राइट 0 विथ दिस, फिर 6 × 5 = 30, सो 0 × 7 = 270। ये तो हम ओरली भी कर सकते थे, 6 × 4 = 24 के साथ हमने 0 ऐड लगा दिया एंड 6 × 5 = 30 और ये ऐड कर दिया, ये हमारा आ गया। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 57 × 6 अगर लिया हमने क्वेश्चन, तो अगेन 5 × 6 = 30, 0 लगा दिया एक, 7 × 6 = 42, सो यू गेट 2, 4, 3। तो देखिए कितना इजी मेथड हो रहा है ये, और सेकंड्स में हमारे आंसर आ रहे हैं। तो और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने लिया है 45 × 5, तो अगेन 4 × 5 = 20, फिर अगेन 0 लगा दिया, 5 × 5 = 25, तो ये हमारा आ गया 225। ये जो हम सब कर रहे हैं ये हमें माइंड में ओरली करना है। तो सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत इजी है ये, और ये टेक्निक करने से सारे जो मल्टीप्लिकेशन है 1 से 100 तक के बहुत इजी हो जाते हैं। जस्ट यू हैव टू मेमोराइज 2 to 9 टेबल, 2 से लेके 9 तक की टेबल हमें अच्छे से याद होना चाहिए। हम बड़े नंबर भी लेके देखते हैं। जैसे हमने लिया 84 × 3 लिया है, तो सेम 8 × 3 = 24, ऐड 0, 4 × 3 = 12, अगेन अब 240 में 10 ऐड कर दिया, 250 एंड 2, 252। तो ये हमारा कितना इजी हो गया। आप इसे बहुत सारे सम्स को प्रैक्टिस करिए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पहले आप उसे लिख के करिए, फिर लिख के करने के बाद थोड़ा ओरली करिए, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। रेगुलरली आप 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, विद इन 3 सेकेंड्स में ही आपका आंसर आ जाएगा। ये वैदिक मैथ्स है और वैदिक मैथ्स कई बार बहुत इजी वे में हमें कैलकुलेशंस करवा देते हैं। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं, थोड़े बड़े वाले लेते हैं। अब सेम 9 × 7 = 63, अगेन ऐड 0 उसके साथ ऐड करेंगे, 7 × 6 = 42, अब ये आप ओरली भी कर सकते थे, 4 + 3 = 7, 6, तो आप 6 = 30 एंड ऐड करो उसमें 3 में क्या ऐड करेंगे, 40, तो 6 = 70 हो जाएगा, 70 + 2 = 6, 72। अब अगेन इसको ऐसे 9 × 5 = 45, 45 में फिर हमने 0 ऐड कर दिया, 5 × 4 = 20, तो अब ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, 470 इज़ द
आंसर। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी चेक कर सकते हैं और इसे भी आप करके देखें। 9 6 54, 5 40 हो जाएगा, 9 8 72, 4 + 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 और 6 12। तो आप ये जितने सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।